नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में कोरोना वायरस जमकर कोहराम मचा रहा है। लखनऊ में आज कोरोना वायरस से संक्रमित दो और मरीजों की पुष्टि हुई है। आज सुबह इन दोनों लोगों की रिपोर्ट आई थी जिनमें दोनों पॉजिटिव पाई गई हैं। यानी उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हुई है। इनमें आगरा के 8, गाजियाबाद के 2, नोएडा में 4, लखनऊ के 5 मरीज हैं, जिनमें से एक लखीमपुर का रहने वाला है, लेकिन उसकी पहचान लखनऊ से गए सैंपल से की गई है। लखनऊ का रहने वाला मरीज निषादगंज का रहने वाला है, जबकि दूसरा मरीज लखीमपुर का है। दोनों मरीजों को फिलहाल केजीएमयू में भर्ती किया गया है। लखीमपुर वाले मरीज के लिए उसके जिले के सीएमओ को सूचित किया गया, जिसके बाद में उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी। तो बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, जिला अस्पताल से कोरोना का संदिग्ध मरीज फरार हो चुका है। संदिग्ध कोरोना मरीज के फरार होने से हड़कंप का माहौल है। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से फरार हुआ मरीज 14 मार्च को मलेशिया से लौटा था। संदिग्ध कोरोना मरीज कम्युनिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मरीज बलिया के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के संदिग्ध मरीज को फरार होने की खबर आई है। 14 मार्च को अपने साथियों के साथ मलेशिया से भारत अपने गांव लौटा था। मरीज के गायब होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप का माहौल। 16 मार्च को खांसी, सर्दी और बुखार होने पर जिला चिकित्सालय जांच करने आया। बलिया जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर बीपी सिंह का क्या कुछ कहना है कि यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है जब कोई संदिग्ध मरीज अस्पताल से फरार हो जाए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होगा तो कम्युनिटी के लिए खतरनाक साबित होगा। इन सब के बावजूद जिला अस्पताल की सुरक्षा पर भी सवाल या निशान खड़े हुए। अस्पताल में तमाम स्टाफ रहने के बावजूद भी मरीज आसानी से कैसे फरार हो गया, ये बड़ा सवाल है। ज्यादा अपडेट के साथ में सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक भरी परिस्थिति, अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, क्या कुछ जानकारी? जी, जैसे कि बताते थे मैं आपको कि बलिया में कल जो था 11 बजे के आसपास मरीज आया था जो मलेशिया से लौट कर आया था, और वह अपने आप को सर्दी जुकाम और शायद बता रहा था, जिसमें कि डॉक्टर ने तत्काल उसको आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कराया, लेकिन शाम के 4 बजते बजते वह न जाने किस तरह से वहां से पुनः फरार हो गया। जबकि सीएमएस बलिया ने यह बता रखा था कि उस व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं और उसके सैंपल टेस्ट करने के लिए भेजे भी गए, लेकिन जब अभी सैंपल टेस्ट होकर आया नहीं, इसके पहले ही वह मरीज फरार हो गया। फरार होने की सूचना के बाद से जिला में हड़कंप तो मचा, लेकिन अब तक यहाँ के जिला प्रशासन के लोग उस मरीज तक नहीं पहुंच पाए हैं, और इस स्थिति में जिला प्रशासन से एक निर्देश भी जारी किया गया है कि जो विदेश से मरीज लौट कर भारतीय आ रहे हैं उनका स्कैन टेस्ट हो रहा है एयरपोर्ट पर, उनको दाखिल नहीं करना है। हो सकता है कि यह मौसमी बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, इस स्थिति में उनको आइसोलेशन वार्ड में नहीं ले जाना है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो विदेश से आए और स्कैनिंग हो गई तो उनमें कोरोना वायरस नहीं है? अगर इस तरह की बात सामने उभर कर आती है तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखना जरूरी है, लेकिन एक तरफ अपने को बचाने के लिए बलिया जिला प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। जी, चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। था कितने मरीज आए थे, क्या उनका बैकग्राउंड था और क्या हुआ है आज? एक थाना फेफना का एक मरीज 18 साल का था, मोहम्मद सिद्दीकी नाम से जो है, और उसको जो है बुखार था, खांसी थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो अपने हिस्ट्री दिया था कि 3 मार्च को मलेशिया गया था और 14 मार्च को लौटा है, 16 मार्च से उसको जो है बुखार और ये सब तबीयत खराब वाली सिम्टम आना शुरू हो गया था। तो आज जो है जिला अस्पताल में आया हुआ था, तो चूंकि इसको विदेश जर्नी की हिस्ट्री थी इसलिए उसको जो है आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया कि कोरोना। खबर नोएडा से, जहाँ 31 मार्च तक के लिए बंद रहेगी एमिटी यूनिवर्सिटी। कोरोना वायरस के चलते 31 मार्च तक के लिए बंद की गई यूनिवर्सिटी, छात्रों को दी जाएगी ऑनलाइन क्लासेस। एग्जाम को लेकर सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। स्थिति सामान्य न होने पर कराए जा सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स भी।
तो स्थिति सामान्य ना होने पर ऑनलाइन ही आपको बता दें एग्जाम्स भी हो सकते हैं एमएटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के। कोरोना वायरस के चलते 31 मार्च तक के लिए यूनिवर्सिटी को भी बंद किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस ही टीचर्स इन छात्रों को उपलब्ध करवा रहे हैं। खबर बिजौर से है जहां पर कोरोना को लेकर डीएम ने सख्त आदेश जारी किया। आपको बता दें जिला बिजौर के सभी शॉपिंग मॉल्स जिम शादीघर पर पाबंदी लगाई गई है। महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत में बड़ी कार्रवाई की गई है। बिजौर डीएम रमाकांत पांडे ने 18 मार्च में लेटर जारी किया। तो कोरोना को लेकर डीएम ने सख्त आदेश जारी किया है। जिला बिजनौर के सभी शॉपिंग मॉल्स को जिम को शादीघर पर पाबंदी लगा दी गई है। महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत में यह कार्रवाई की गई है। बिजनौर डीएम रमाकांत पांडे ने 18 मार्च को यह लेटर जारी किया। तो खबर लखनऊ से है जहां मंदिरों में देखा जा रहा है कोरोना का असर। मनकामेश्वर मंदिर 31 मार्च तक के लिए बंद किया गया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। तो जहां बड़े बड़े मंदिरों की भी खबरें यहां लगातार सामने आई, इसे देवनायक भी बंद किया गया, वैष्णो देवी मंदिर को बंद कर दिया गया। ऐसे तमाम बड़े मंदिर हैं जिस पर अब असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में दुग्धेश्वर नाथ मंदिर को भी बंद किया गया, तो वहीं मंदिरों को भी बंद किया जा रहा है ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाए। तो वहीं कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है सीतापुर जेल प्रशासन। संक्रमण से बचने के लिए कैदियों की मुलाकात को बंद किया गया है। जेल में साफ सफाई को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सूचना यहां पर जारी की गई है। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के लिए मुलाकात को बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते। तो खबर बनारस से है जहां कोरोना को मंत्रों से सही करने वाला फर्जी बाबा गिरफ्तार किया गया। जी हां, मंत्रों से कोरोना के संक्रमित मरीजों को ठीक करने का यह दावा किया करता था। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल और बाबा से पड़ताल भी कर रही है। लंका थाना इलाके के सामने घाट इलाके का एक पूरा मामला है। तो कोरोना महामारी से देश में खौफ का माहौल है। चित्रकूट में भी कई मठ मंदिर बंद किए गए। महामारी के बढ़ते प्रभाव की वजह से बरती जा रही है सावधानी। प्रशासन ने कामतनाथ, प्रथम मुखार बिंदु, हनुमान धारा, सती अनुसुईया समेत सभी प्रमुख मठ मंदिरों को बंद किया है। 31 मार्च तक दर्शन पर लगाया गया पूरी तरीके से रोक। सभी होटल, लॉज और धर्मशालाओं को भी खाली करवाने का आदेश जारी किया गया है। कोई आपत्ति नहीं है लगा हुआ है। 31 तारीख तक ये कोरोना जो वायरस है, महामारी है, उसके चलते शासनादेश है मेरे हाथ में भी है। तो इस कारण से शासन के द्वारा ही मंदिर खुलवा है और इसमें सारे लोगों को इस संदेश के अधिक से अधिक लोग मंदिर में इकट्ठे ना हों, दर्शन के लिए ना आवे, इस दृष्टि से मंदिर में। सर, आज तक कभी ऐसा हुआ है आप लोगों को, कभी आपके गुरु ने किसी ने कहा कि कभी ऐसा हुआ हो? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। केवल ग्रहण काल में मंदिर बंद होता है और अभी तक मंदिर कभी बंद नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है मंदिर बंद। खबर नोएडा से जहां डीएलएफ चौकी के पास में भीषण आग लगी है। आग से तांडव का माहौल देखा गया है। आग पर काबू पाने के लिए प्रयास जारी है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। नोएडा सेक्टर 18 की घटना है। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आग के तांडव से इलाके में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से प्रयास जारी है। ज्यादा अपडेट के साथ में विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनायक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर?
जी आपको बता दूं कि नोएडा के सेक्टर 18 वेब सिटी एक बिल्डिंग में एक भीषण आग लग गई थी। बताया जा रहा है 18वें फ्लोर पर ये आग लगी हुई थी और दमकल विभाग की जो है 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पे काबू पा लिया गया है फिलहाल। और विभाग की तरफ से ये किया जा रहा है कि किस कारण आग लगी हुई थी। फिलहाल जो है ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, ये बन रही थी कुछ बहुत समय पहले से, अभी फिलहाल एकदम से आग लग गई थी। मतलब वहीं तो 3 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो आग बुझाने में जुटे हुए थे, काफी मशक्कत के बाद में आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो है अधिकारी जो है वहां पे ये जांच करने में लगे किस कारण आग लगी थी। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनायक। खबर उन्नाव से है, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की वजहों का खुलासा हालांकि नहीं हो पाया, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। थाना कोतवाली के अंतर्गत अकरमपुर का ये पूरा मसला है। तो आग का तांडव आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उन्नाव से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की वजहों का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आप उड़ता हुआ धुआं ये साफ तौर पर देख रहे हैं। आसमान छूता ये धुआं आप तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं। ज्यादा अपडेट के साथ में नीरज द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? आपको बता दें कि ये एक जो है प्लास्टिक फैक्ट्री है जिसमें शॉर्ट सर्किट को लेकर के आग लगी थी, क्योंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री है और इसको लेकर के आग बहुत जल्दी पकड़ ली और उसने देखते देखते बड़ी जल्दी फैला रूप ले लिया। और इसको लेकर के मौके पर अभी 4 गाड़ियां दमकल की हैं जो लगातार प्रयास में जुटी हुई है कि किसी तरीके से आग को काबू पाया जाए। हालांकि जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर के जिला प्रशासन ने वहां के कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकाल दिया है और अब लगभग आग ने पूरी फैक्ट्री को जो है अपने कब्जे में कर लिया है। तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लगभग 60% जो आग है उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी 40% आग अभी भी जो है उस पर धधक रही है और प्लास्टिक जो है वो आसानी से बुझती नहीं, इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अयोध्या से है, जहां ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, हादसे का शिकार हुई जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन। पाटरंगा स्टेशन पर हादसे का शिकार हुई ट्रेन, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोलकाता से जम्मू जा रही थी ये ट्रेन। राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी हादसे को लेकर? देखिए, जम्मू तवी एक्सप्रेस जो सियालदा को जा रही थी, 13154 इसका नंबर है, ये आज जो है जब लखनऊ से निकली और फैजाबाद जंक्शन के पास पहुंच रही थी, यानी पटरंगा रेलवे स्टेशन के पास डीरेल हो गई है। जो इसका इंजन है वो पटरी से नीचे उतर गया और एक अच्छी बात ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं से जो रेलवे विभाग की लापरवाही जरूर सामने देखने को मिल रही है। रूट भी बाधित हो गया है और लखनऊ से वाया सुल्तानपुर होते हुए कई सारी ट्रेनों को मूव कराया जा सका। रेलवे चलिए अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र। योगी सरकार के कामकाज को लेकर यहां जाहिर तौर पर जिस तरीके से 3 साल लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार के पूरे हो चुके हैं, तमाम तस्वीरें भी यहां पर सामने आ रही हैं, तमाम लोगों की रिएक्शन यहां पर सामने आ रहे हैं। योगी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं योगी सरकार के कामकाज पर। आगरा की जनता ने क्या कुछ कहा है वो भी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस समय तमाम लोग 3 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल पर अपनी राय दे रहे हैं।
ताज नगरी आगरा में हम इस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अटल चौक पर मौजूद हैं, जहां ताज नगरी आगरा के प्रबुद्ध लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में ऐसी कौन सी जो चीजें रही हैं जो उपलब्धियां कही जा सकती हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं ताज नगरी आगरा के प्रबुद्ध जनों से। क्या नाम है आपका? राकेश कन्नौजिया। योगी सरकार के आज 3 साल पूरे हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, तमाम सरकारें देखी हैं, सपा की सरकार भी देखी, बसपा की सरकार भी देखी है और पूर्व में कांग्रेस की सरकार भी देखी है, कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी की सरकार काफ़ी बेहतर काम कर रही है। मेरी 3 साल का मूल्यांकन किया तो सरकार ने कई ऐसे काम किए जैसे नकल अध्यादेश, नकल पर जो कि शिक्षा का जो स्तर पूरी तरीके से गिर चुका था और शिक्षा एक तरीके से व्यापार बन चुकी थी। योगी सरकार ने नकल अध्यादेश पर बहुत काम किया है, इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय से लेकर CBSE बोर्ड का मामला हो, लोगों का कहना है कि योगी सरकार के इन 3 साल कार्यकालों में ये प्रमुखता और उपलब्धि कही जा सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा विमल वर्मा। योगी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल जो आज CBSE बोर्ड की उसमें पढ़ाई हो रही है और गरीब लोग उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और आगरा ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश में आज हर जगह लोग खौफ से बेचिंतित हो गए हैं, अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, आराम से अपना रोजगार व्यापार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि योगी सरकार आगे भी वर्षों में आती रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहें। आपका क्या नाम है? DP राठौर। क्या कहना चाहते हैं सरकार के आज 3 साल पूरे हो रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के 3 वर्ष में कार्य अगर देखे जाए तो संपूर्ण भारत के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो प्रधानमंत्री की, ऐसे तमाम विकास किए योगी सरकार ने, जैसे प्रयागराज कुंभ मेला जो है 3 वर्ष में सबसे बड़ा उपलब्धि ये रही है, सकुशल हुआ प्रयागराज कुंभ मेला। इसी प्रकार से शिक्षा का जो स्तर गिर रहा था दिन ब दिन, सपा बसपा सरकार जितनी में आई सारी भूमाफियाँ हैं। योगी सरकार ने जहाँ शिक्षा पर लगाम लगाई है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ रही है, कहने हैं और भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आज 3 साल पूरे हो रहे हैं, इस 3 साल पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस 3 साल में कहना चाहते हैं कि सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा है और कानून व्यवस्था भी ठीक ठाक रही है, महिलाओं को जो गैस चूल्हा जलाती थी उनके लिए गैस सिलेंडर भी उनको दिए गए हैं, उनके बरवाजे चूल्हे जो आँख कूड़ती थी कुछ लकड़ियाँ लेके जाती थी उनके लिए गैस की व्यवस्था की, कानून व्यवस्था भी मैं सरकार ने सबको एक समान रखा है, किसी से उनका मत भी जो काम है वो काम से गया है, कानून महिला के लिए भी सुरक्षा बनाया है, वो अच्छी सरकार है, आगे बनी रहे हम तो यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अंकुर शर्मा है, मैं एक समाजसेवी हूँ। योगी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ें 2 रही हैं, जो कि एक तो शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है, नकल माफिया पर बहुत बड़ी रोक लगी है, और दूसरा था लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से गायब है, सारे गुंडे जेल के अंदर हैं, बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है योगी सरकार ने, हर घर में गैस चूल्हा पहुँचाया है और तमाम तरह के विकास कार्य भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के टाइम पर भी NRC का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, या फिर ये कहा जाए कि राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 साल आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पूरे हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी के 3 साल पूरे हुए हैं, पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अविनाश बघेल मेरा नाम है और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आज पूरे प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षा से महसूस समझती है, आपने देखा होगा चिकित्सा के मामलों में भी आयुष्मान योजना जो हमारे योगी सरकार जी ने चलाई है, जमीनी स्तर से लोगों को इलाज मिल रहा है, लोग बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अब चाहे ठेल वाले हो, दुकान वाले हो, जो रेड़ी लगाते थे उन लोगों के लिए भी दुकानों का लिए सुविधा की है, जिसका रजिस्टर नगर निगम में हो रहा है, आज जमीनी स्तर पर जो सरकार ने किया है बहुत सराहनीय काम है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन सब सब। मेरा नाम मोनू शर्मा है और योगी सरकार के 3 साल होने पर मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके अलावा उन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं वो जनता के सामने हैं, जनता को मालूम भी है, और उन्होंने जो चिकित्सा के रुपए किए हैं और 370 रुपये किया है और राम मंदिर पे किया है, वो बहुत ही सौभाग्य काम है हमारे लिए, और उन्होंने इस राज्य के अंदर 124 बार खुल के कोरोना वायरस के लिए हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, और कोई भी राज्य सरकार ऐसा कर नहीं पाई है जो योगी सरकार ने करके दिखा दिया है।
और प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल पर ताज नगरी आगरा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अटल चौक से हम बता रहे हैं कि योगी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर ताज नगरी वासी क्या कहते हैं। न्यूज वन इंडिया के लिए आगरा से प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।